अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सबीर। आप देख रहे हैं सबीर सुमैर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ड्रामा सीरियल कयामत की बहुत सारी मिस्टेक्स लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ। इस सीन में जब समरा की डेथ होती है और उसके अब्बू बहुत रो रहे होते हैं, तो जब उन्हें पानी दिया जाता है तो तब आप देख सकते हैं कि पानी इतना होता है, लेकिन उनके पीने से पहले ही पानी इतना कम हो जाता है। ओहो मुख्तार अंकल, आपने पहले ही मंगवाया ही आधा ग्लास पानी का, उसके बाद भी उसके अंदर से दो घूंट पानी पी कर ही अपने भाई को दिया। वाह भाई वाह, ऐसे भी भाई होते हैं। इस सीन में जब राशिद समरा को धक्का देकर कमरे से बाहर जा रहा होता है, तो तब आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि उसके दोनों हाथों में मोबाइल नहीं होता। यार अगर राशिद का मोबाइल ना धक्का देने के फौरन बाद ही गायब होता तो तब तो चलो समझ आता कि धक्का देते हुए शायद नीचे गिर गया या इधर उधर हो गया, लेकिन ये क्या, मोबाइल तो कमरे के बाहर जाने के बाद ही गायब हुआ है। इस सीन में जब जवाद गुस्से से कमरे के अंदर एंटर होता है, तो तब आप देख सकते हैं कि ये गिटार जो है ये इन दो लाइट स्विचेस के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जवाद उस गिटार को उठाने लगता है तो गिटार खुद ब खुद चल के यहाँ से यहाँ आ जाता है। क्या जवाद में आपको इतना गुस्सा आया था कि गिटार भी डर के मारे कभी इधर होता है कभी उधर होता है। और इस पुलिस स्टेशन के सीन में भी आप देख सकते हैं कि इस पाकिस्तानी फ्लैग के साथ ये पेंसिल होल्डर पड़ा हुआ है, लेकिन जब दूर से दिखाते हैं तो वो पेंसिल होल्डर वहां से गायब हो जाता है, और जब दोबारा करीब से दिखाते हैं तो वो ही पेंसिल होल्डर दोबारा से वहां आ जाता है। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप क्या आवाम की मदद करेंगे जब आपसे अपनी चीजें नहीं संभाली जाती। इस सीन में जब राशिद समरा को हॉस्पिटल लेके आता है, तो तब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो है वो एक पर्ची पे कुछ दवाइयां लिख रही होती है, और जब वो पर्ची राशिद को देने लगी होती है तो तब आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में पेन होता है, लेकिन जब राशिद पर्ची ले रहा होता है तो डॉक्टर साहिबा के हाथ से पेन गायब हो जाता है। इफ्रा के घर में ये जो टेलीफोन है ये कोई फोन नहीं बल्कि ये तो खिलौना लगता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो तार ही नहीं लगी हुई, फिर भी इफ्रा फोन उठा के मजे से बातें कर रही होती है। हेलो 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 हेलो। इस सीन में जब समरा आंटी के साथ बातें कर रही होती है, तो तब आप देख सकते हैं उसने ना कोई इयररिंग्स पहने होते हैं और ना ही कोई लॉकेट, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर होती है तो उसके कानों में इयररिंग्स भी आ जाती है और लॉकेट भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आती है और वॉशरूम जा रही होती है तो अपने कानों से इयररिंग्स उतारती है, और आप देख सकते हैं कि इयररिंग्स उसके हाथ में होते हैं कान में नहीं होते, लेकिन जब राशिद उसके पास आके बात करता है तो उसके कानों में जादू से इयररिंग्स आ जाती है। इस सीन में जब समरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और जब आंटी उसे गुस्से से देख रही होती है, तो तब आप देख सकते हैं कि आंटी के पीछे एक घड़ी पड़ी होती है, लेकिन जब समरा आंटी के पास आती है तो घड़ी पीछे से गायब हो जाती है, और फिर जब दोबारा आंटी को दिखाते हैं तो घड़ी वापस आ जाती है। इस सीन में जब अंकल चाय पीने लगे होते हैं, तो तब आप देख सकते हैं कि उनके होंठ सूखे होते हैं, लेकिन जब वो चाय का घूंट ले लेते हैं तब भी उनके होंठ सूखे ही होते हैं और वैसे के वैसे होते हैं। इसका मतलब है कि कप में तो चाय थी नहीं, अंकल तो एवं ड्रामे कर रहे थे। हाँ भाई, अगर इनकी बीवी ऐसी है तो इन्हें कहाँ नसीब होती होगी गरम गरम चाय। इस सीन में जब समरा बैठ के रो रही होती है, तो तब आप देख सकते हैं कि उसके कान में बड़े बड़े कांटे होते हैं, और जब खड़े होकर रो रही होती है तभी उसके कानों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन जब अपने आंसू साफ करी होती है और करीब से दिखाते हैं तो उसके कांटे गायब हो जाते हैं। इस सीन में जब राशिद और समरा रेस्टोरेंट आते हैं, तो तब आप देख सकते हैं कि राशिद के दोनों हाथ खाली हैं, उसके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है तो उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, और जब उसके पीछे से परी गुजरती है और वो परी को देखता है तो उसके हाथों से फिर से मोबाइल गायब हो जाता है। मुझे तो शुरू से ही पता था ये परी बहुत नौसरबाज है, गुजरते गुजरते राशिद का फोन भी ले गई। इस सीन में जब समरा नीचे बैठी होती है और आंटी के साथ बातें कर रही होती है, तो तब आप देख सकते हैं कि उसने कोई लॉकेट नहीं पहना होता, लेकिन जब राशिद के पीछे ऊपर जाती है तो उसके गले में एक लॉकेट आ जाता है, और इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि ग्लास में पानी फुल है, लेकिन जब दूसरी साइड से दिखाते हैं तो पानी थोड़ा हो जाता है। इस सीन में जब मुख्तार अंकल बैठे होते हैं, तो तब आप देख सकते हैं कि उनकी पॉकेट में कोई रुमाल नहीं होता, लेकिन जब करीब से दिखाते हैं तो उनकी पॉकेट में रुमाल आ जाता है, और जब दोबारा दूर से दिखाते हैं तो उनकी पॉकेट से रुमाल गायब हो जाता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि इफ्रा चम्मच उठा के सिंह के पास रख देती है और जवाद के साथ गप्पे मारने लग जाती है, लेकिन ये क्या, जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो चम्मच वहां से गायब हो जाते हैं। ओ भाई, ये सिंह है या परी जी का कोठा जहां पैसों से भरे बटवे भी गायब हो जाते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि राशिद मियां को जब उसके अब्बू बेइज्जत करके चले जाते हैं,
तब उसके हाथ में फोन होता है, और जब वो अपनी अम्मी से बात कर रहा होता है तब भी उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन अचानक से बात करते करते उसके हाथ से फोन गायब हो जाता है, और फिर अचानक से बात करते करते उसके हाथ में फोन आ जाता है। ओ यार मैं तो समझा था ये बदमाश है, लेकिन अब पता चला ये दोनों सरबाज भी है। एंज फोन आया, एंज गायब, एंज फोन आया, एंज गायब। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि समरा जब बेड पर लेटी होती है और क्लोज शॉट दिखाते हैं तो इसके करीब ये ग्रे कलर का एक कुशन पड़ा होता है, लेकिन जब यही शॉट दूर से दिखाते हैं तो वो कुशन गायब होता है, फिर जब दोबारा करीब से दिखाते हैं तो वो कुशन फिर करीब पड़ा होता है। समरा जी ये कुशन कभी आपके करीब आने की कोशिश करता है, कभी दूर जाता है, आखिर ये माजरा क्या है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि राशिद मियां की अम्मा जब उसको पुट्ठी पट्टियां चढ़ा रही होती है, मेरा मतलब है यार पुट्ठी पट्टियां पढ़ा रही होती हैं, तब आप देख सकते हैं कि उसकी अम्मा के पीछे एक टाइम पीस पड़ा हुआ है, मेरा मतलब है कड़ी पड़ी होती है, लेकिन जब दूर से दिखाते हैं तो वही टाइम पीस घोड़ा बन जाता है। ओ भाई ऐसे ही तो आप लोग इतने अमीर नहीं होगे ना, आपके घर में जरूर कोई ना कोई जादू है, आप टाइम पीस रखते हैं तो घोड़ा बन जाता है, और घोड़ा रखते हैं तो खोता बन जाता है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि मेहंदी के फंक्शन में राशिद और समरा के दरमियान में कोई फोन नहीं पड़ा, लेकिन अचानक से राशिद वहीं से फोन उठाकर टाइम देखने लग जाता है। ओ यार साढ़े तो गमलियां चू कदी कारी दे पौधे ते पौधियां चू पत्ते नहीं निकले, तोड़े ते सोफियां चू मोबाइल निकल दें, वाह भाई। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जवाद जब बाहर से वापस आता है और अपनी अम्मी से मिल रहा होता है तो उसके लेफ्ट कंधे पर ये गिटार टंगा हुआ होता है, लेकिन जब दूसरी साइड से दिखाते हैं तो गिटार राइट साइड पे आ जाता है। वो भाई म्यूजिकल बंदा है, गिटार ऐसे रखे होना थे, एंज स्टेप मारे होना थे, ऐसे स्टेप मारे होना थे। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि राशिद की अम्मी अबू जब समरा के घर रिश्ता मांगने आते हैं तो ये बंदा मिठाइयां रख के यहाँ से गुजर जाता है, और जहां से वो गुजरा है वहां आप देख सकते हैं कोई सोफा नहीं होता, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो वहीं पे सोफा आ जाता है। ओए हल्ले ते इन्होंने कदम रखा है तो सोफा आ गया है, इन्होंने थोड़ी देर और गुजारनी थे, इन्होंने जादू नाल कोड़े कोते सब कुछ आ जाना है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि इफ्रा जब मुड़ के समरा को देख रही होती है तो उसकी बुक पर कोई पेन नहीं पड़ा होता, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो बुक के ऊपर पेन आ जाता है। ओ भाई क्या आप लोग हर वक्त ड्रामा पे नजर रख के बैठे होते हैं कि कब गलतियां निकालेंगे, ड्रामा कोई एक दिन में थोड़ी बन जाता है, सालों साल लग जाते हैं, जैसे मेरी बॉडी बनने में लगे हैं। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि समरा की अम्मी ये रेड कलर का दुपट्टा तय करके पैक करके चली जाती हैं, लेकिन जब समरा आती है तो वो भी यही वाला दुपट्टा तय कर रही होती है। ओ भाई ये दुपट्टा है या कोई बिगड़ा हुआ बंदा है, जो भी आता है उसी को समझाता है, जो भी आता है उसी को समझाता है, लेकिन ओ उठे दा उठे ही रहता है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि इफ्रा जवाद को चाय का कप दे रही है, वो भी खाली, और वो आगे से क्या कह रहा है, बड़े मजे की हवा बनाई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कयामत की मिस्टेक्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि अगली वीडियो मैं बनाऊं या बाबा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। अल्लाह हाफिज़।